सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। आज ना एक महत्वपूर्ण सवाल लेके चलेंगे। देयर वाज अ क्वेरी फ्रॉम अ पर्सन, वो पूछ रहे थे कि ऐसा कुछ होम्योपैथी में बताएं ताकि जो बार बार की इन्फेक्शन होती है ना, जहां इवन स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स ऑल्सो फेल, ऐसी कुछ दवा बताएं सो दैट ये रिपीटेड इन्फेक्शन से छुटकारा मिले। दोस्तों आज ना इसके पीछे की स्टोरी जानेंगे, इसका कारण समझने की कोशिश करेंगे, आखिर क्यों होता है ऐसा, बार बार इन्फेक्शन क्यों होती हैं, प्रॉपरली क्योर्ड क्यों नहीं होती हैं, कहां दिक्कत रह रही है। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज ये एक ना एक गंभीर समस्या का रूप ले रहा है। ये छोटा सा मसला जो उठा था इन मेडिकल फील्ड, दिस इज टूडे अ बर्निंग इश्यू, इट्स अ बर्निंग टॉपिक। ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, बन चुकी है एक्चुअली। द थिंग इज वी कॉल एट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या होता है, साधारण सी बात है, कुछ नजला जुकाम है, कुछ खांसी है, घर में किसी को दिक्कत है ना, तो इमीडिएटली एंटीबायोटिक देके शुरू कर देते हैं, राइट। केमिस्ट से ले लिया, डोजेस बनवा ली, खुद सेल्फ मेडिकेशन जिसे हम कहते हैं, तकरीबन ऐसा होता है हर घर में। व्हाट हैपेंस, एंटीबायोटिक दिया ना, सिम्टम्स सप्रेस हो गए, वहीं छोड़ दिया ट्रीटमेंट, फर्दर कंटिन्यू नहीं किया। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज रॉन्ग दैट इज हैपनिंग। नाउ व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, अगर अच्छा ऐसे भी देखा, क्लिनिक में भी पेशेंट्स हैं जो वायरल इन्फेक्शन में भी एंटीबायोटिक का कोर्स दे दिया, आराम नहीं आया। आराम कैसे आएगा, लेकिन अब अगर नेक्स्ट टाइम अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो एंटीबायोटिक वहां काम नहीं करेगा, दे विल गिव अ स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक, और ये सिलसिला चलता जाता। अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, द बैक्टीरिया गेटिंग मोर एंड मोर लिसनर, दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, दे आर गेटिंग रेजिस्टेंस टू सच एंटीबायोटिक्स, वो एंटीबायोटिक असर नहीं कर रहे हैं। And this is a hot topic of today in medical field. आइए दोस्तों इसको ना छोटी सी एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरह के बैक्टीरिया रहते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेफाइलोकॉकस बैक्टीरिया। एक्चुअली स्टेफाइलोकॉकस एक ऐसी इस तरह की बैक्टीरिया रहते हैं, इसके अंदर ना देर आर मोर देन 30 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन दिस स्ट्रेन ऑफ स्टेफाइलोकॉकस, मोर देन 30 टाइप्स, और इसमें से सबसे कॉमन रहता है स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस। ये एक कॉमन सा बैक्टीरिया हम देखने में आता है। एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस कैरी इट ऑन आवर बॉडी, हमारे जैसे नोज के अंदर, नाक के अंदर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये दिक्कत तब करता है जब बॉडी के अंदर एंटर करेगा और ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, कहीं कोई कट लग गया, कोई जख्म हो गया, कोई वूंड हो गया, दिस बैक्टीरिया विल एंटर इनटू द बॉडी एंड क्रिएट हैवॉक, है ना, या वहां पर इन्फेक्शन कॉज करेगा। एंड दिस इज कॉन्टेजियस, ये कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। अगर एक को पर्सन को दिक्कत है, किसी को, किसी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो आगे स्प्रेड हो जाएगा। दिस इज स्टेफेलोकॉकस ऑरियस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब क्या हो रहा है। अच्छा इसके ना सिम्टम्स से आप समझे, स्टेफेलोकॉकस के सिम्टम्स जैसे है ना, ये बहुत सिंपल सिम्टम्स है, आम दिखने में आते हैं, सिंपल स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाती है, बॉयल्स हो जाते हैं ना स्किन पे, एक्जिमा भी हो जाता है कई बार, तो ये स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बोन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, इसके कारण से निमोनिया भी हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस होता है जो इनर लाइनिंग है हार्ट की, वहां इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सो ऐसे कई ऐसे कॉमन सी इन्फेक्शन हैं जहां स्टेफेलोकॉकस ऑरियस इज द कॉज। अब एक समस्या और आ गई, एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफेलोकॉकस ऑरियस, ये एक नई स्ट्रेन है MRSA। ये एक ऐसी स्ट्रेन है बैक्टीरिया की विच इज डिफिकल्ट टू ट्रीट, यहां एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं कर रहे हैं, व्हाट टू डू। ये छोटी सी एग्जांपल है, ऐसे कई ऐसी इन्फेक्शन है जहां एंटीबायोटिक्स नहीं काम करते हैं। दोस्तों इस मसले का एक ही हल है, सिंपल सा हल है, कम टू होम्योपैथी। कई बार ऐसे पेशेंट्स आके क्लिनिक बोलते हैं ना कि ये इन्फेक्शन बार बार हो रही है, ये कोर्स किया एंटीबायोटिक का ठीक नहीं हुआ। आई पर्सनली गाइड देम के हाँ इसको कंप्लीट कीजिएगा, एंटीबायोटिक का कोर्स अगर शुरू किया उसको कंप्लीट कीजिएगा, अगर नहीं शुरू किया तो कम टू होम्योपैथी, नथिंग लाइक होम्योपैथी दोस्तों, सूनर यू कम द बेटर इट इज फॉर यू। बहुत सी दवाएं ऐसी जो कि बहुत अच्छी रोल अदा करती हैं अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल टू नेम अ फ्यू, हेपरसल्फ बहुत अच्छी दवा है दोस्तों, एकिनेशिया है, डलका मारा है, आर्सेनिक एल्बम है, रस्टॉक्स है, सिलिशिया है, कैलीबाई है, देर आर सो मेनी मेडिसिन जो कि एग्जैक्टली लाइक, फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को लेकर बात करें, स्टेफेलोकॉकस के अगेंस्ट ये बहुत अच्छा एक्ट करती है। बेसिकली होम्योपैथी
इंप्रूव्स द फाइट्स दीज इन्फेक्शन, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, आपकी जो अंदर की वाइटल फोर्स है ना उसको जगाती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, सो दैट यू पर्सनली यू योर सेल्फ फाइट दीज इन्फेक्शन। इनफैक्ट किसी तरह की इन्फेक्शन आ जाए यू कैन फाइट दैट, है ना। लेकिन आज जैसे एमआरएसए की बात की है ना, जो रेजिस्टेंट हो रहे हैं बैक्टीरिया, तो वहां क्या करें, एक रामबाण दवा आपके सामने रखता हूं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जिसका नाम है एंटीमोनियम क्रूडम। एंटीमोनियम क्रूडम एक इस तरह की दवा है जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केसेस को भी सॉल्व करने में माहिर है, स्टेफेलोकॉकस इन्फेक्शन की रामबाण दवा। दिस इज बेसिकली फ्रॉम मिनरल किंगडम, एंटीमोनी और सल्फर का कॉम्बिनेशन है, इसको पोटेंटाइज करके इस तरह की फॉर्म में लिया लाया जाता है, आपके सामने रखते हैं कि ये ना इट इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट आई वुड से पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन इन होम्योपैथी। दोस्तों एंटीमोनियम क्रूडम का ना मेन एक्शन जो है इट इज ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, वो स्टमक के इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे, अच्छा उसके बाद वो स्किन पे बहुत अच्छा एक्ट करती है, माइंड के दिक्कत है जहां मेंटल सिम्टम्स आते हैं वहां एंटीमोनियम क्रूडम बहुत अच्छा रोल अदा करता। अच्छा फिर एंटीमोनियम क्रूडम दे कहां, है ना, इसका एक गोल्डन रूल जान लें दोस्तों। जो भी हमने सिम्टम्स की बात की, जो दिक्कतों की बात की ना, स्टेफेलोकॉकस इन्फेक्शन फॉर एग्जाम्पल जो हमने उदाहरण लिया, उसमें जो स्किन एंड सॉटिश इन्फेक्शन रहती है, बोन एंड ज्वाइंट है इन्फेक्शन, निमोनिया है, एंडोकार्डाइटिस भी है, अगर स्टेफेलोकॉकस इन्फेक्शन किसी तरह की भी रहती है ना, उसके साथ उस एंटीमोनियम क्रूडम के जो गाइडिंग सिम्टम्स हैं वो अगर साथ में मैच कर रहे हैं तो जरूर दीजिएगा एंटीमोनियम क्रूडम। आई कैन एश्योर यू जस्ट अ सिंगल डोज कैन प्रोड्यूस मैजिकल रिजल्ट्स। गाइडिंग सिम्टम्स क्या है एंटीमोनियम क्रूडम के, वो थोड़ा समझ लें। द पर्सन्स आर इंक्लाइन टू ग्रो फैट, जैसे ना टेंडेंसी होती है बंदों की, कई बंदे जो कि मोटापे की तरफ रहता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है फर्स्टली। सेकेंडली बहुत ही टिपिकल सिम्टम रहता है एंटीमोनियम क्रूडम यूज करने का, जहां ना थिक एंड व्हाइट कोटिंग रहती है, परत सी रहती है जीभ के ऊपर, ऑन द टंग, दैट इज अगेन। अच्छा फिर स्किन के ऊपर ना आउटग्रोथ रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉट्स हो सकते हैं, कॉर्न्स अक्सर दिखते हैं दोस्तों स्किन के ऊपर, हार्ड कॉर्नी सर्फेसिस रहती है स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर, नो दैट इज अगेन अ गाइडिंग सिम्टम टू प्रिस्क्राइब एंटीमोनियम क्रूडम। एक्जिमा हो जाता है ना त्वचा के ऊपर से, ना ऊपर की जो लेयर है वो थिक हो जाती है, वो मोटी हो जाती है, सख्त हो जाती है, दैट इज अनदर सिम्टम। अच्छा फिर हीट से, गर्मी से इसके सिम्टम्स बढ़ते हैं, दिक्कतें बढ़ती हैं, अगर ठंडे पानी से नहा लिया कोल्ड बाथिंग के बाद भी इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, दैट इज एंटीमोनियम क्रूडम पेशेंट। चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सैल रहता है, इरिटेबल तरह का उसका ना स्वभाव बन जाता है बंदे का, एंटीमोनियम क्रूडम वहां भी देंगे। अच्छा फिर ना पीविशनेस रहती है, ट्रबल सम सा रहता है, दूसरों के लिए समस्याएं पैदा करता है, ये उस तरह उसका स्वभाव रहता है। दोस्तों ये तो थी कुछ समराइज्ड सी प्रेजेंटेशन ऑन एंटीमोनियम क्रूडम, कहां हम इसका फायदा उठा सकते हैं इन सिवियर स्टेफेलोकोकस इन्फेक्शन फॉर एग्जाम्पल, या किसी तरह की इन्फेक्शन रहती है जहां उसके गोल्डन रूल मैंने आपको बताया प्रिस्क्राइब करने का, जरूर फायदा उठाएं ऑफ होम्योपैथी इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन सिवियर और रेजिस्टेंट केसेस में भी ना, दीज मेडिसिन आर गोइंग टू हेल्प यू। रामबाण दवा ऑफकोर्स एंटीमोनियम क्रूडम इज देयर, स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी 30 सीज आइडियल टू बिगिन विद, जैसे जैसे रिलीफ मिलता जाता है यू कैन टेपर डाउन द डोज। होम्योपैथी अडॉप्ट करें होम्योपैथी को, जो कि ट्रीट करती है सेफली एंड श्योरली। आशा करता हूं आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। दोस्तों जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, कोई सुझाव है कोई सजेशन है मोस्ट वेलकम, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यू कैन मेल मी एट gunanakayers@gmail.com। अपना ख्याल रखें दोस्तों, जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, गॉड ब्लेस।